आज हम लोग ओम्स लॉ पे बात करेंगे ये लॉ एक कंडक्टर के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और उसके थ्रू पास होने वाला करंट को इंटररिलेट करता है से ये एक कंडक्टर है इसका ये दो टर्मिनल्स तो इन दो टर्मिनल्स को पोटेंशियल डिफरेंस में लाने के लिए हम क्या करेंगे हम इसमें एक सेल जोड़ देंगे तो इस सेल के जोड़ने से क्या होगा इस वायर में करंट एस्टेब्लिश्ड होगा अब अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दे तो क्या होगा इसे डबल करने के लिए हम इसके साथ एक और सेल जोड़ सकते हैं वायर वही है सेल हमने एक और जोड़ दिया इससे क्या होगा इससे पोटेंशियल डिफरेंस वायर के इस एंड का और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डबल हो जाएगा इससे अब जो यहाँ पर करंट होगा इस वायर के अंदर ये करंट दुगना अमाउंट का होगा वोल्टेज को डबल करने से करंट भी डबल हो जाएगा वोल्टेज को ट्रिपल करने से करंट भी ट्रिपल हो जाएगा मतलब वोल्टेज जिस रेट से बढ़ेगा करंट भी उसी रेट से बढ़ता है वेल well, इसे एक अलग तरीके से देखते हैं चलिए हमने हाइपोथेटिकली मान लिया कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये और ये है वो वायर ये जो ब्लू डॉट्स आप देख रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है एटम्स को हमने ड्रॉ नहीं किया है अब जैसा कि हमें पता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि यहां पर इस वायर के अंदर आता है जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में पुश करता है और इधर से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है जिसे कि इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है कुछ इस तरह से वो फ्लो करता है ये V जो है यह इंडिकेट कर रहा है इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब यहां पर जो करंट कंस्टिट्यूटेड हुआ उस करंट को मेजर कैसे किया जाता है इसके लिए हमें यहां पर एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करना पड़ता है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू यूनिट टाइम में जितना चार्ज क्रॉस करता है वही होता है इसका करंट अब पिछले एक वीडियो में जहां पर हमने करंट के लिए माइक्रोस्कोपिक इक्वेशन को डिराइव किया था जो कुछ इस तरह का था वहां पर हमने देखा था करंट और वोल्टेज किस तरह से इंटर रिलेटेड है ये जो इक्वेशन है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो के एंड में बात करेंगे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो कभी समय अगर मिले तो ये वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा एक अलग सा व्यू आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखें कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता क्यों है एग्जैक्टली exactly क्या रीजन है वोल्टेज मतलब दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या करता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पे क्या लगाता है फोर्स लगाता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल देखिए इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अलग अलग वीडियोस में बात किया है उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिटेल्स में जानना है तो उन वीडियोस को आप जरूर से देख लें क्योंकि उन सब कॉन्सेप्ट के बिना इलेक्ट्रिक करंट को भली भांति समझना बहुत मुश्किल बात है अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है फोर्स अब हमें पता है एक ऑब्जेक्ट पे या एक पार्टिकल पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसमें होता है एक्सेलरेशन तो इस फोर्स के कारण इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा अब ये एक्सेलरेशन जो है इसी के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स में एक एवरेज वेलोसिटी क्रिएट होगा एक वेलोसिटी क्रिएट होगा जिसके एवरेज वैल्यू को हम इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े क्यों बढ़ेगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा सो पोटेंशियल डिफरेंस जिस रेट से बढ़ेगा दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिस रेट से बढ़ेगा ठीक उसी रेट से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रेट से बढ़ेगा फोर्स भी उसी रेट से बढ़ेगा फोर्स जिस रेट से बढ़ेगा उसी रेट से एक्सेलरेशन बढ़ेगा और सेम उसी रेट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को जिस रेट से बढ़ाया या घटाया जाएगा उसी रेट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगा या घटेगा और यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिसाइड करता है कि करंट कितना होगा चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इसके पास एक छोटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसके कारण कुछ चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है जितना क्रॉस कर रहा है वही इसका करंट है अब देखिए इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गया इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है मतलब करंट बढ़ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ेगा उसी रेट से करंट बढ़ेगा थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वोल्टेज जिस रेट से बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी रेट से बढ़ेगा जिस रेट से फोर्स बढ़ेगा उसी रेट से एक्सिलेशन बढ़ेगा उसी रेट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा जो कि करंट को डिसाइड करेगा मतलब उसी रेट से करंट बढ़ेगा वोल्टेज को डबल कर दे तो करंट डबल हो जाएगा इधर इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर कन्वेंशनल करंट तो करंट डबल हो जाएगा वोल्टेज को ट्रिपल कर दे तो करंट ट्रिपल हो जाएगा इसीलिए कहा जाता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I. इन वर्ड्स हम इसे ऐसे कहते हैं ये ओम्स लॉ है वैसे अभी तक हमने क्या देखा हमने यही देखा कि वोल्टेज से करंट क्रिएट हो रहा है इसे ओपोजिट तरीके से भी समझा जाता है कि एक कंडक्टर एक कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है उस पर प्रोपोर्शनल होता है उसके दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बात बराबर है वी आई क्या प्रोपोर्शनल हो या आई वी के प्रोपोर्शनल हो स्टेटमेंट सेम है मतलब उसका एक ही निकल कर आता है वी आई के प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि आई अगर डबल हो जाए तो वी भी डबल हो जाएगा वैसे अभी तक हमने क्या देखा कि वी डबल होने से आई डबल हो रहा है वी ट्रिपल होने से आई ट्रिपल हो रहा इसी इसी को घुमा के आप ऐसे भी कह सकते हैं इसे स्टेटमेंट में जब लिखा जाता है तो हम कुछ ऐसे कहते हैं कि एक कंडक्टर के दो टर्मिनल्स या उसके दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उससे जो करंट पास कर रहा है उसके प्रोवाइडेड दैट कि उसका टेम्परेचर सेम रहे इस पार्ट पे हम लोग वीडियो के एंड में जाके बात करेंगे तो हमने यही देखा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I और इसका क्रेडिट जाता है इस लॉ का क्रेडिट जाता है एक जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन जॉर्ज सिमन ओम को अब देखिए V I के प्रोपोर्शनल है अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम इक्वालिटी साइन लाते हैं तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रेजिस्टेंस कहा जाता है इस वायर का या इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो देखें रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई अब इस पे बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि V अगर I के प्रोपोर्शनल होगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V बात तो बराबर है अब यहां पर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाना होगा इस बार इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कंडक्टेंस कहा जाता है ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया कंडक्टेंस ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है आप गौर से देखें मतलब कि R ज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय जी एंड जी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय आर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा अब कि वो करंट को कितना रोक सकता है रेजिस्ट कर सकता है कंडक्टेंस यह बताता है कि वो करंट को कितना कंडक्ट होने देता है अलाउ करता है एक रोकने के प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस रोकने वाला प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है कंडक्टेंस कंडक्ट होने वाले पार होने वाले प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा जैसे कि हमने बात किया कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि वो चार्ज के फ्लो को कितना रोक रहा है रेजिस्ट कर रहा है यहां पर एक मिसकनसेप्शन आता है कि ऐसा लगता है मानो कि मान ले इसका एक रेजिस्टेंस है तो यह करंट को रेजिस्ट कर रहा है तो ऐसा मिसकनसेप्शन होता है कि मानो इलेक्ट्रॉन्स यहां बहुत फास्ट एंटर करेगा और ये उसे रेजिस्ट करेगा तो यहां से बाहर निकलते समय इलेक्ट्रॉन बड़ा स्लोली बाहर निकलेगा यहां करंट बहुत ज्यादा होगा और यहां पर करंट घट जाएगा क्योंकि यह उसे रेजिस्ट कर रहा है यह एक मिसकनसेप्शन है आपने पिछले एक वीडियो में ज़रूर देखा होगा जहाँ हम लोगों ने बात किया था कि ये कंडक्टर थ्रू आउट द लेंथ उसके करंट जो है वो सेम रहता है तो करंट इस जगह पे जितना होगा करंट इस जगह पे भी उतना ही होगा करंट यहाँ भी उतना ही होगा हर जगह पे करंट सेम होगा करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये जो कंडक्टर है इसके रेजिस्टेंस के कारण ये करंट को रेजिस्ट कर रहा है ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस में अगर उसे रखा जाए तो फिर वो उतना कम करंट पास होने देगा फॉर एग्जाम्पल दो वायर्स हैं हमारे पास ये एक वायर और ये एक वायर इसका रेजिस्टेंस जो है इसका रेजिस्टेंस कम है और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है नीचे वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस में रखा गया यहां भी जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस में रखा गया मतलब सेम बैटरी के साथ जोड़ा गया आप माने अब यहां पर चूंकि इसका रेजिस्टेंस कम है तो फिर यहां पर करंट का फ्लो ज्यादा होगा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां से करंट का फ्लो कम होगा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट का फ्लो होगा लेकिन थ्रू आउट द वायर करंट सेम होगा मान ले कि यहां पर दो एम्पियर का करंट है तो थ्रू आउट द वायर दो एम्पियर का करंट होगा यहां पर एक एम्पियर का करंट है तो थ्रू आउट द वायर एक एम्पियर का करंट होगा रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा कि करंट कितना बनेगा इसीलिए इसीलिए चूंकि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है करंट उतना कम हो जाता है इसीलिए कहा जाता है रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो कि यह बताता है कि वो चार्ज के फ्लो को कितना रेजिस्ट कर रहा है यह जो रेजिस्टेंस है इसका ऐसा यूनिट को ओम कहा जाता है जॉर्ज ओम के नाम से ही इसके यूनिट को ओम नाम दिया गया और इसे ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है अब देखिए एक ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए यह रेजिस्टेंस चूंकि ये वी डिवाइडेड बाई आई होता है वी का एसआई SI यूनिट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई SI यूनिट होता है वोल्ट और करंट का एसआई SI यूनिट होता है एम्पियर इसीलिए वन ओम इज इक्वल टू वन वोल्ट डिवाइडेड बाई वन एम्पियर यहाँ से आप ओम को डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस दो एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट का हो और उससे एक एम्पियर का करंट पास करे तो हम कहेंगे उसका रेजिस्टेंस एक ओम का होगा अगर एक कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उससे एक एम्पियर का करंट पास करे तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा उसे हम कहेंगे वो एक ओम का है अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कंडक्टेंस पर बात करते हैं कंडक्टेंस जो है चूँकि रेजिस्टेंस का अपोजिट प्रॉपर्टी ये रखता है तो हम ये कह सकते हैं कंडक्टेंस एक कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि वो चार्ज के फ्लो को कितना अलाउ करता है एक ही कंडक्टर का प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस और उसी का प्रॉपर्टी कंडक्टेंस बस दो तो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है एक एक दूसरे के ओपोजिट चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है एक बता रहा कि कितना वो रजिस्ट कर सकता है दूसरा बता रहा कितना वो कंडक्ट कर सकता है एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस उतना कम होगा और उसका कंडक्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा ये जो कंडक्टेंस है इसका यूनिट अगर देखें ऐसा यूनिट तो इसका पुराना यूनिट था एम ये ओम का ही उल्टा है देखे एम ओ एच एम ओम उसी का उल्टा है तो ये तो पुराना पुराना यूनिट है पहले इसे यूज किया जाता था आजकल इसे सिमंस नाम से जाना जाता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर एस से या फिर ओमेगा के ऊपर एक नेगेटिव वन पावर में नेगेटिव वन लगा के क्योंकि देखे हमने जैसे बात किया था कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो इसका जो यूनिट होगा उसका यूनिट उसका रेसिप्रोकल होगा इसीलिए पावर में नेगेटिव वन और वन सिमन किसके बराबर होना चाहिए इसका यूनिट देखें यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला देखें ये करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज करंट का जो एस आई यूनिट है वो एम्पियर है और वोल्टेज का एस आई यूनिट जो है ये वोल्ट है इसलिए वन एम्पियर डिवाइडेड बाई वन वोल्ट इज इक्वल टू वन सिमंस अब यहाँ से आगे जैसे कि हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ हमें यह बताता है कि V और I एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है प्रोवाइडेड दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम यहां पर हम वापस आते हैं उसी फार्मूला में करंट का माइक्रोस्कोपिक फार्मूला में यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर बता दूं आप जरूर से समय मिले तो वो वीडियो देख लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर ई e जो है ये एलिमेंट्री चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसमें नेगेटिव साइन रहता है निगेटिव ई e चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में टाव है रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम क्या है देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ये तो एक्सेलरेटेड होता है लेकिन थ्रू आउट द पाथ ये एक्सेलरेटेड नहीं होता है इसका मोशन जर्की होता है ये एक्सेलरेटेड होता है रुक जाता है रुक जाता है क्यों क्योंकि एटम इसे अब्जॉर्ब कर लेता है फिर उसे वो रिलीज करता है या दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करता है वो एक्सेलरेटेड होता है फिर रुक जाता है फिर एक्सेलरेटेड होता है रुक जाता है तो एक जगह से निकलने के बाद एक्सिलेटेड होते हुए फिर एक जगह पे कैप्चर्ड होने तक बीच का जो समय है इसे रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है जितने समय तक इलेक्ट्रॉन एक्सीटेड रहा ऑन एन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन तो बराबर समय के लिए एक्सीटेड नहीं रहेगा सब अलग अलग समय के लिए एक्सिलेरेटेड रहेगा कोई जल्दी कैप्चर्ड होगा कोई देर से कैप्चर्ड होगा ऑन एन एवरेज जितने समय के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड हो रहा उस समय को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है ये एन जो है ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ए जो है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर एम जो है इलेक्ट्रॉन का मास है और एल जो है इस कंडक्टर का लेंथ है तो यहाँ से इस फार्मूला को आप ऐसे भी देख सकते हैं वी को इस तरफ ले आए और आई को इस तरफ ले आए तो आप इस फार्मूला को ऐसे भी देख सकते हैं अब देखिए यहां पर अगर टेम्परेचर सेम रहे तो यहां पर यह एक फिक्स्ड क्वांटिटी या एक कांस्टेंट वैल्यू देता है ये, ये जो टर्म है ये है कांस्टेंट वैल्यू देता अगर टेम्परेचर फिक्स्ड रहे सिर्फ और सिर्फ तभी यह जो कांस्टेंट है इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं V इज इक्वल टू आर आई अब देखिए टेंपरेचर चेंज करने से क्या होता है टेम्परेचर चेंज करने से यहां पर दो टर्म्स जो है ये वेरी करता है एक तो है ये टाव रिलैक्सेशन टाइम और ये दूसरा है ये एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ये दोनों वेरी कर जाता है टेम्परेचर के वेरी करने के साथ साथ उसे चेंज करने से ये भी चेंज करता है क्यों चेंज होता है ये देखिए जब इसे हीट एनर्जी दिया जाएगा मतलब इसका टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो वो जो एनर्जी है वो एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे अब्जॉर्ब कर लेगा और उस एनर्जी के साथ वो एटम से बाहर निकल के फ्री हो जाएगा तो एनर्जी देने से टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है और रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है क्यों घटता है क्योंकि जितना आप इसे एनर्जी देंगे तो इस क्रिस्टल में जो यहाँ पर एटम्स है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है आप जो भी समझे ये जो है ये वाइब्रेट करता है ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो ज़्यादा तेजी से ये वाइब्रेट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहा है उसका कैप्चर होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि जितना ज़्यादा ये वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन के पाथ में आने का प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो दो फैक्टर्स यहाँ पर काम करता है टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है तो चूंकि ये फैक्टर्स टेम्परेचर चेंज होते साथ चेंज होता है इसीलिए ये जो टर्म है ये टर्म कांस्टेंट नहीं रहता अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो लेकिन टेम्परेचर को फिक्स्ड रखें तो ये टर्म कांस्टेंट रहता है जिसे कि हम उस टेम्परेचर में उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं अब यहाँ से आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उस पर बात करेंगे जहाँ से कि हम रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे चल के हम सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को जोड़ के इक्वेलेंट रजिस्टेंस पता करने का तरीका देखेंगे और साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक पावर जैसे टॉपिक्स पर बात करेंगे अब जाते जाते मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड टेंथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें बाय